हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज 31 अक्टूबर और आज की डेट में रिलैक्सो फुटवेयर का Q2 यानी सितंबर क्वार्टर 2020 का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों रिजल्ट नो डाउट अच्छा ही आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलैक्सो का ये Q2 का रिजल्ट पूरा बारीकी से चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ आपका आगे का क्या रणनीति होगा, यानी क्या आप इनमें फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, क्या आपके पास शेयर है तो आप होल्ड करें या सेल करें, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। रिजल्ट आज करीबन 3 बजे के आसपास BSE के ऊपर अपडेट हुआ था। यहाँ पे दोस्तों जितने भी नंबर से सारे इन करोड़्स पे है। यहाँ पे ये इस क्वार्टर यानी करंट क्वार्टर सितंबर 2020 का रिजल्ट है, ये लास्ट क्वार्टर यानी जून 2020 का रिजल्ट है और ये लास्ट ईयर यानी सितंबर 2019 का रिजल्ट है। हम यहाँ पे ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ पे पेज को जूम कर लेता हूँ, आपको देखने में मदद मिलेगा। सबसे पहले टोटल इनकम यानी यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर्स इनकम, ये दोनों को ऐड करके होता है टोटल इनकम। इस क्वार्टर यानी सितंबर 2020 की क्वार्टर में जो टोटल इनकम हुआ है 580 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर यानी जून 2020 का जो टोटल इनकम हुआ था 370 करोड़ रुपए का। और सबको पता है कि क्यों इतना कम हुआ था जून क्वार्टर में, क्योंकि उसके पहले अप्रैल मई जून ये तीनों महीने में यहाँ पे इंडिया में लॉकडाउन था, उसके वजह से इसका सारा जो शोरूम है रिलैक्सो का सब बंद पड़ा था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा नंबर कम आया था। बट यहाँ पे ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ठीक ठाक अच्छा खासा यहाँ पे जम दिखाई दिया। बट अगर आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखोगे तो लास्ट ईयर यानी सेप्टेम्बर 2019 में टोटल इनकम हुआ था 623 करोड़ का, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगा। अब बात आते हैं दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस यानी कंपनी का कितना खर्च हुआ। टोटल एक्सपेंसेस सब कुछ मिला के इस क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंसेस आया नंबर 480 करोड़ का, यानी जो लास्ट क्वार्टर यानी जून 2020 में आया था 338 करोड़ का, यानी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ गया है। और अब लास्ट ईयर पे यानी सितंबर 2019 में जो नंबर आया आप देख सकते हैं 549 यानी 549 का टोटल एक्सपेंसेस हुआ था। यानी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे आप देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, ये एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। अब एकदम मैं नीचे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट कितना हुआ वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर में हुआ है नेट प्रॉफिट 75.10 करोड़ यानी 75 करोड़ के आसपास, जो लास्ट क्वार्टर यानी जून 2020 में हुआ था 24 करोड़ के आसपास। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो अच्छा खासा जम दिखाई दिया, उसका कारण भी आपको पता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जून क्वार्टर में जो वो अप्रैल मई जून में यहाँ पे पूरा लॉकडाउन था, इसका पूरा बिजनेस ठप पड़ा था और इसके वजह से इसमें नंबर बहुत कम आया, इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अच्छा खासा जम दिखाई दिया। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जम दिखाई देगा दोस्तों। लास्ट ईयर यानी सेप्टेम्बर क्वार्टर 2019 में जो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था 70.54 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और आज की डेट में आप देख सकते हो इस क्वार्टर में 2020 में सितंबर क्वार्टर में 75.10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी आप अगर इसको परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेट करोगे तो एट ऑलमोस्ट यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि 7% के आसपास, 6.5-7% के आसपास यहाँ पे आपको जम दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट नो डाउट अच्छा आया, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकता बट अच्छा आया, डिसेंट रिजल्ट आया दोस्तों। डिसेंट ये वर्ड परफेक्ट है रिजल्ट के लिए, ये रिजल्ट के लिए डिसेंट रिजल्ट आया। अब टोटल जो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो ये नेट प्रॉफिट एंड जो अदर, यहाँ पे नेट प्रॉफिट से आया 75 करोड़ का और बाकी कुछ एक्स्ट्रा मिला के अदर्स मिला के यहाँ पे टोटल इनकम आया 76 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट। अब इसका EPS यानी अर्निंग पर शेयर भी देख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिक अर्निंग पर शेयर यानी ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, इस क्वार्टर में जो बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है 3.02 का, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी सेम है जो लास्ट क्वार्टर में था, काफ़ी कम था, 1% के भी नीचे हो गया था। आप देख सकते हैं 0.98 का था बेसिक एंड डाइल्यूटेड था 0.97 का, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे यहाँ पे अच्छा खासा जम दिखाई दिया। अगर आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो
लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में था 2.84 का, बेसिक एंड डाइल्यूटेड भी सेम, यानी ईयर ऑन ईयर पे भी अच्छा खासा यहाँ पे जम दिखाई दिया ईपीएस में, यानी अर्निंग पर शेयर में। तो दोस्तों ये था आज रिलैक्सो फुटवेयर का क्वार्टर टू का नतीजा। नतीजा डिसेंट आया है दोस्तों, अच्छा नतीजा आया है, एकदम मतलब बहुत ही डिसेंट नतीजा आया है। दोस्तों अब सीधा इसके रिटर्न्स का प्रोफाइल के ऊपर लेके चलूँगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉक ज़बरदस्त है। आपका पोर्टफोलियो अगर बड़े है या छोटे है, ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा क्वांटिटी में होना चाहिए। चाहे तो आपका ज़्यादा छोटा पोर्टफोलियो तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट आपका अगर मीडियम साइज़ का या बड़े साइज़ का पोर्टफोलियो है तो आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी समय से मल्टीबैग का रिटर्न दिया दोस्तों। इसका एक साल का चार्ट पैटर्न भी हम देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, एक साल में इतने मतलब गिरावट के बावजूद भी शेयर लगभग 800 के ऊपर चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर, जब लॉकडाउन के पहले 800 के ऊपर चल रहा था शेयर, उसके बाद 800 से गिर के सीधा गिर के यहाँ पे आप देख सकते कहाँ से कहाँ गिरा, 500 के लेवल पे आ गया शेयर, 800 से गिर के 500 में आ गया, फिर वहाँ से रिकवर दिया, अच्छा खासा रिकवर दिया, फिर से यहाँ पे 800 पे टच करने का कोशिश किया बट वो टच नहीं कर पाए, एंड वहाँ से एक फ्लैट मूवमेंट दिखाई दिया है शेयर में, वही 600 650 के बीच में एक फ्लैट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। उतना ज़्यादा यहाँ पे रिकवर नहीं हुआ क्योंकि इसका बिजनेस पूरा अभी पूरा मतलब 100% अनलॉक नहीं हुआ, बट अगर आप 5 साल का रिटर्न देखोगे तो फिर भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव में नज़र आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल में स्टॉक ने 160% का रिटर्न दिया, यानी बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न भी नहीं, बट एक डिसेंट रिटर्न दिया दोस्तों। आपका पैसा यहाँ पे सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर आपने 10 साल का देख लिया, यानी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, क्योंकि रिलैक्सो फुटवेयर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, आप देख सकते हैं लिस्टिंग हुआ 2011 जून में, यानी 10 साल भी पूरा नहीं हुआ। 10 साल में जब लिस्ट हुआ था 10 साल पहले 14.18 पे, और आज की डेट में ये स्टॉक 650 में मिल रहा है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल में रिटर्न दिया है, लीजिए आपके सामने है नंबर, 4542%, यानी आपके पैसा को 46 गुना कर दिया 10 साल में दोस्तों, मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया दोस्तों। ये फुटवेयर कंपनी में अगर आप फुटवेयर सेक्टर में अगर आपको निवेश करना है तो सबसे बेस्ट स्टॉक है बाटा इंडिया, और उसके बाद अगर कोई स्टॉक है वो है रिलैक्सो फुटवेयर। इसको छोड़कर और भी स्टॉक है, श्री लेदर्स है, खादिम्स है, बट ये दो स्टॉक मेरा स्पेशली पसंदीदा है दोस्तों। स्पेशली अगर आप रिटर्न की बात करें तो बाटा इंडिया से ज़्यादा रिटर्न रिलैक्सो फुटवेयर में आपको मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी है क्योंकि कंपनी मिड कैप कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,000 करोड़ की कंपनी है, और पी रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हाई है 81.55 का पी है, तो यहाँ पे उतना ही निवेश करना ताकि बहुत मतलब इसमें बहुत बड़ा गिरावट तो नहीं आएगा रिलैक्सो फुटवेयर में। और दोस्तों फुटवेयर सेक्टर का एक स्पेशलिटी आपको मैं बोलता हूँ, एक एडवांटेज, आप फुटवेयर सेक्टर कभी आप मतलब ये सेक्टर दोस्तों कभी डाउन में नहीं हो सकता। आप खुद के साथ कंपेयर कीजिए, आप खुद के साथ सोचिए दोस्तों, आप चाहे तो मतलब किसी भी दिन आप कपड़ा कुछ भी कोई भी ब्रांड का पहने, कुछ भी हो जाए, आपको जूता पहनना चाहिए आपको, मतलब शू या कोई भी जूता आप पहनते ही हो रोज़, और ये इसमें कोई भी चेंजेस या अपडेट नहीं आएगा। हो सकता है इसका डिज़ाइन अपडेट हुआ, कुछ भी अपडेट हुआ, बट रिलैक्सो बाटा ये सब कंपनी में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, मतलब सालों साल। ये सब स्टॉक दोस्तों फ्यूचर स्टॉक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है ये सब स्टॉक, रिलैक्सो बाटा जैसे स्टॉक। दोस्तों इसका लास्ट डे का कारोबार भी देख लेंगे रिलैक्सो फुटवेयर का। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओपन हुआ था स्टॉक 662 रुपये में, हाई टच किया 669 रुपये पे, लो काफ़ी नीचे आके टच किया 656 रुपये, और क्लोजिंग ऑलमोस्ट इसका लो के आसपास ही दिया है, जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है 660 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कारोबार भी देख लेंगे, थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं, अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है, लगभग 77,000 शेयर ट्रेड हुआ है, उनमें जो डिलीवरी उठाया है दोस्तों क्वांटिटी ज़बरदस्त है, 38,000 शेयर का डिलीवरी उठाया गया। डिलीवरी परसेंटेज देखिए दोस्तों, 50% से ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरी उठा चुका है। तो दोस्तों एट द एंड यही बोलना चाहूँगा, कंपनी मस्त है, ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली भी स्ट्रांग है, कितना शानदार रिटर्न दिया 10 साल में 5 साल में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे कोई भी छोटे कंपनी या कुछ कोई भी मतलब ऐसी कंपनी में जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ अभी बहुत कंपनी एकदम गिर गया, जैसे आपका हो गया इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, ये सब कंपनी में निवेश करने से अच्छा है आप रिलैक्सो फुटवेयर,
या बाटा इंडिया, ये सब कंपनी में निवेश कीजिए। अच्छा खासा आपको यहाँ पे रिटर्न भी मिलेगा और आपका पैसा सेफ भी रहेगा दोस्तों। बाकी आपके मर्जी दोस्तों, आपका पैसा है, फाइनल डिसीजन आपको लेना है। तो रिजल्ट इसका डिसेंट आया, अब देखना बाकी है कि मंडे इसका शेयर प्राइस में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिलेगा मंडे के दिन ओपन होने के बाद। 670-680 तक जा सकते हैं। अगर पूरा मार्केट डाउन रहा तो यहाँ पे गिरावट भी आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक करके इनकरेज करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।